हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी। तो आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। पहला चैप्टर है एवरेज, दूसरा है रेशियो प्रोपोर्शन, तीसरा है परसेंटेज, चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये चार सब्जेक्ट आपको बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम्स में आ रहा है। क्योंकि इनका अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे तो 15 से 20 मार्क यही आ रहा है। कैसे ना, देखिए हर एक चैप्टर्स में से एक दो क्वेश्चन अगर आप हिसाब लगा लीजिए तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो हर एक क्वेश्चन में इन चारों का बहुत यूज होता है, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। सो आप अगर इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से देख लोगे तो आराम से डाटा इंटरप्रिटेशन और इन्हीं चैप्टर का क्वेश्चन करके आप अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क ला सकते हो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। सो फर्स्ट, व्हाट इज एवरेज? इसका डेफिनेशन बोलता है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवेन एलिमेंट। ओके, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाय नंबर ऑफ गिवेन एलिमेंट। तो हम चेक चेक कैसे करेंगे? सपोज हम रैंडमली कुछ नंबर ले लेते हैं, 25, 20, 27, 23, 17। ओके, हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाय नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट। तो अगर हम इनको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज। इनको ऐड करना है हर एक नंबर को और डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, एवरेज। सो ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एवरेज ऑफ सीक्वेंस नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का कैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, n, ये है हमारा नेचुरल नंबर। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सब कुछ आपको दिया होगा, 1, 2, 3, 4 करके 50 तक दे दिया और बोला है कि एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे? तो इसका एक फॉर्मूला है जो हम देखेंगे कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ओके, तो ऐसे में हम एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सो यहाँ लास्ट नंबर क्या है, n, फर्स्ट नंबर क्या है, 1/2। तो ये फॉर्मूला हो गया n+1/2। तो हम चेक कैसे करेंगे? सपोज हमारा 50 नंबर है, हम चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ 50 नंबर्स हैं, तो लास्ट नंबर यहाँ क्या है, 50, फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है, 1। सो 50+1 डिवाइड बाई 2, 51/2 इक्वल टू 25.5, ये निकल गया एवरेज। ओके, और एक सीक्वेंस ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ कितना नंबर दिया है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी कितना नंबर दिया है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो n इक्वल टू 8। ओके, तो हमारा इस सीक्वेंस में है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 नहीं है। तो यहाँ ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ हम कैसे एवरेज निकालेंगे? जैसे रैंडमली निकाले थे। एक भी नंबर नहीं दिया है तो आप ये सीक्वेंस वाला एवरेज नहीं निकाल पाओगे। आपको अगर निकालना है तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाय 2 के हिसाब से निकालना है, तो आपके सीक्वेंस सीरियली रो है होना चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये एक सीक्वेंस हो गया, और एक देखते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये एक सीक्वेंस हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीक्वेंस हो गया। ओके, सब देखो सीक्वेंस में है। ओके, तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? किसी भी सीक्वेंस
या कंजुगेटिव नंबर दिया है तो इसका एक ही फॉर्मूला है। अब लास्ट नंबर या फर्स्ट नंबर आप चेक करके आराम से निकाल सकते हैं। तो 7 + 1/2, यहाँ 9 + 1/2, यहाँ 10 + 2/2। ओके, तो ये रह गया सीक्वेंस का फॉर्मूला। तो इसका और एक फॉर्मूला है, हम चेक कर लेते हैं। सपोज दो सीक्वेंस दिया है, ए बी सी डी ई, एक सीक्वेंस हो गया, और एक दिया है ए बी सी डी ई एफ। सो यहां देखते हैं हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। यहाँ एन इक्वल टू 5, यहाँ एन इक्वल टू 6। ये ऑड में है, ये इवेन में है। ओके, लेकिन सीक्वेंस यह लिया है, मतलब कंजुगेटिवली है, जैसे कि 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे ही है। ओके, तो ऑड में क्या होता है कि अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है या 7 है या 11 है या 13 है, ऐसे नंबर देता है, तो आपको सीधा क्या करना है, बीज वाले में चले जाना है। ये है आपका एवरेज, मतलब आपको अगर सिक्वेंशियली नंबर दिया गया है और आपको एवरेज पूछा है, तो आप सीधे बीज वाले नंबर को पकड़िए, वो नंबर जरूर सीरीज में प्रेजेंट होगा। ओके, और इवेन में क्या होता है, इवेन में यहाँ एन इक्वल टू 6 है, तो इवेन में क्या होता है, आप इसी में भी बीज ऐसे ही चलिए, लेकिन बीज वाले में क्या होता है, C+D/2 का फॉर्म में रहता है। ऑड में नंबर प्रेजेंट रहता है, इवेन में नंबर प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन C+D/2 के फॉर्म में रहता है। तो हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ इसी के हिसाब से हमारा एवरेज क्या है, क्योंकि यहाँ एन इक्वल टू 5 है, पांच नंबर है, तो 3 एवरेज। इसमें क्या है, ये तो एन इक्वल टू 6 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो 3 + 4/2 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5, ये एवरेज। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये सही है या गलत है, हम कैसे चेक करेंगे, ये छोटा है आप हिसाब कर लेंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो यहाँ क्या है, एन इक्वल टू 5 लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सो 5 + 1/2 इक्वल टू 3 एवरेज आ रहा है। यहाँ देखो 6 + 1/2, 7/2 इक्वल टू 3.5। तो इसमें हमें क्या पता चला कि ऑड में अगर होगा तो एवरेज वाला नंबर जरूर सीरीज में प्रेजेंट होगा, और इवेन में अगर सीरीज दिया गया है तो बीज वाला जो दो नंबर है उसी का बीज वाला नंबर होगा। तो यहाँ क्या है, 3 के 4 के बीज वाला नंबर क्या है, 3.5। चेक कर लो, आप दूसरे सीरीज ले सकते हो, बड़े बड़े सीरीज लेके ये चेक कर सकते हो, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये रहेगा सीक्वेंस वाला। तो इसी को लेके हम आगे चलेंगे, तो हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं सीक्वेंस के ऊपर, कंजुगेटिव नंबर्स के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कैसे नंबर डिराइव होता है, कैसे ये ऐसे नंबर आएगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये रहा 3 क्वेश्चंस। ओके, 3 क्वेश्चन में व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर प्रेजेंट बिटवीन 1 to 300 हु इज आर डिविजिबल टू और 3, ये एक नंबर है, और एक है फाइंड द नंबर हु इज आर डिविजिबल 225 बिटवीन 500 एंड 5000, फाइंड द एवरेज ऑफ द कंजुगेटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 72 to 180। ओके, तो हम तीन थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले करते हैं, कैसे हैं, 72 से 180 के बीच एवरेज निकालना है, कंजुगेटिव बोला है। ओके, तो कैसे होगा, हमें पता है लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली है। रैंडम मतलब क्या, रैंडम नंबर कैसे, 25 27 25 27 29 हो गया, 40 हो गया, ये रैंडम नंबर है। सीक्वेंस नंबर क्या, 72 से स्टार्ट हुआ है, तो 73 74 करके 180 तक जाएगा, यह है सीक्वेंस वाला नंबर। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, 180 + 72/2,
एवरेज आ जाएगा। ओके, ऐसा अगर नंबर दिया होगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 72 से 180 हो गया, 11 से 39 हो गया, 51 से 400 हो गया, ऐसे आप कर सकते हो। सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द नंबर प्रेजेंट बिटवीन 1 to 300 विच आर डिविजिबल एट 2 और 3। ओके, 1 to 300 के बीच कितना नंबर है जो 2 और 3 में, आइदर 2 में और 3 में डिविजिबल होता है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या है एलसीएम? 6। तो यहाँ तो एक है, स्टार्टिंग एक, लास्ट नंबर 300। सो ये 6 को कुछ करना नहीं है, वो लास्ट वाला नंबर में डिवाइड कर देना है। ओके, ये हो गया नंबर आपका एवरेज। ओके, कितना नंबर है? 50 नंबर आपका प्रेजेंट है 1 to 300 के बीच। ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द नंबर विच आर डिविजिबल एट 225 बिटवीन 500 एंड 5000। सो ऐसे में हमें क्या करना है, पहले लास्ट वाला नंबर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाला नंबर लेंगे। ओके, तो लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला। तो क्या है, ये यहाँ तो बिगिनिंग 1 नहीं है ना कि हम डायरेक्ट लास्ट वाला नंबर के साथ ये डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमें फर्स्ट वाला 500 दिया है, तो हमें पहला चेक करना चाहिए कि 500 से 225 निकाल के हम कितना इंटीजर निकाल सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2, ज़्यादा तो होगा नहीं, 225 × 2 450। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 2, और 5000 में देखते हैं 22 होगा। ओके, तो 22 − 2 = 20। सो नंबर विच आर डिविजिबल बाय 225 बिटवीन 500 एंड 5000 इज 20। अभी हम देखेंगे वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या है, कि वेटेड एवरेज का डेफिनेशन बोलता है कि इफ ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब ए नंबर ऑफ चॉकलेट, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, बी नंबर ऑफ चॉकलेट, ओ नंबर ऑफ स्टूडेंट, सी नंबर ऑफ चॉकलेट, देन इसको क्या करना है, ये एवरेज दिया है, एम नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज दिया है ए, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट का दिया है एवरेज बी, ओ नंबर का एवरेज दिया है सी। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एम ए प्लस एन बी प्लस ए ओ सी, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, ये टोटल हो जाएगा। अगर एम ए इक्वल टू क्या, टोटल टोटल चॉकलेट। ओके, तो एम ए एन बी ओ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या दिया है, एम प्लस ओ, तो ये रहेगा फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सपोज 9 स्टूडेंट अब 8 चॉकलेट ईच, 5 स्टूडेंट 6 चॉकलेट ईच, 7 स्टूडेंट 7 चॉकलेट ईच। तो ये क्या दिया है, ये एवरेज दिया है, 9 स्टूडेंट का एवरेज चॉकलेट दिया है, उनके पास 8 8 चॉकलेट है, 5 स्टूडेंट के पास 6 चॉकलेट, 6 6 चॉकलेट है, 7 स्टूडेंट के पास 7 7 चॉकलेट। तो इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 9 5 14 14 7 21। ओके, स्टूडेंट दिया गया 21, तो हम क्या करना है, 9 × 8 + 5 × 6 + 7 × 7 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू एवरेज, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। ऐसा क्यों करना पड़ा, देखिए टीचर्स डे में एक क्लास में चॉकलेट बांटा जाता है, तो ये क्या करते हैं, क्या टेबल पे रख देते हो, तो ये लोग रैंडमली उठाते हैं, रैंडमली उठाते हो, तो आप लास्ट को चेक करते हो कि आपके क्लास में एक 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग 8 चॉकलेट उठाए हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 चॉकलेट उठाए, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 चॉकलेट उठाए, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे। ये तो आपको
टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करने से पता चलेगा ना कि टोटल ऐड करके। तो पहले तो ये एवरेज दिया है कि 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग साइड बैठे हैं, उनके पास 8-8 चॉकलेट, तो आपको पता चल गया कि 72 चॉकलेट 9 स्टूडेंट के पास है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 5 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं साइड में जिसके पास 6-6 है, तो यहाँ आपको पता चल गया 30 चॉकलेट इधर रहेगा, प्लस 5। और 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 7-7 है, तो 49 चॉकलेट यहाँ रह गया। आप यहाँ देखेंगे टोटल निकाल देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, यह है वेटेड एवरेज। ओके, इससे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे आगे, जो कि स्टूडेंट का एज लेके, स्टूडेंट का एवरेज मार्क लेके, किसी क्रिकेटर का इनिंग्स का स्कोर ऐसे लेके बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जो हम एडवांस सेक्शन में देखेंगे। ये तो बेसिक्स है, तो हम सिर्फ क्या क्या है इसका, एवरेज में डिफरेंस क्या है, एवरेज कैसे निकाल, ये सब देख के आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज क्या है, यहाँ हम रैंडम नंबर के ऊपर एवरेज निकालेंगे। सपोज जैसे हम पहले किए थे 25, 27, 19, 20, ओके, तो और एक ले लेते हैं 15। तो इसका एवरेज हम निकाले थे कैसे, इस सबको ऐड कर दे के डिवाइड बाय 5 कर दिए थे, क्योंकि 5 नंबर गिवे हैं, तो ऐसे में एवरेज हम निकाल देंगे। ओके, तो एज्यूम ये तो है ऑलरेडी, फिर एज्यूम एवरेज की जरूरी क्या पड़ गई। ओके, हम देख लेते हैं। सपोज आपको क्या होगा, बड़े बड़े नंबर दे देगा, मतलब कैसा कि 430, 222, 330 ऐसे नंबर दे देगा, और इतने का एवरेज निकालो बोलेगा तो एग्जाम में टाइम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नंबर करके जो नंबर जल्दी होना चाहिए 30 सेकंड 40 सेकंड में, वो अगर आप 1.5 मिनट 2 मिनट दोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, एग्जाम में टाइम कम होता है और टाइम की वैल्यू बहुत रहता है। ओके, तो एज्यूम एवरेज हम कर लेते हैं। सपोज एक सीक्वेंस ले लेते हैं 31, ओके, रैंडम नंबर वाला सीक्वेंस, 35, 43, 27, 20, ये 5 नंबर हम लेंगे। तो एज्यूम एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रोसेस है कि आप पहले किसी भी एक नंबर आप चूज कर लीजिए। ओके, किसी भी नंबर एक चूज कर लीजिए। सपोज मैंने चूज कर लिया 31, 31 इज माई एज्यूम्ड नंबर। तो अभी क्या करना है कि जितने नंबर रहेंगे इंक्लूडिंग 31 से इसी नंबर को सब्सक्राइब करना है। तो 35 से 31 को सब्सक्राइब करेंगे तो कितना होगा, 4, ये पॉजिटिव में आएगा। 43 से 31 सब्सक्राइब करेंगे तो कितना होगा, प्लस 12, क्योंकि ये बड़ा है इससे। 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 27 छोटा है, हमारा एज्यूम नंबर बड़ा है तो -4। 20 भी छोटा है 31 से, सो -11। तो अभी इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, 16 -15, ओके, 12 4 16, 11 9 4 15, तो 1। तो अब क्या करना है, हमारा आ गया 1। तो 31, क्योंकि यहाँ हमारा एज्यूम नंबर है, ओके, एज्यूम नंबर 31। अब क्या करना है, ये 1 आया है, मतलब ये प्लस में आया है, 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नंबर कितने गिवन है, 5, ये जितना निकलेगा ये हो गया हमारा एवरेज। ओके, सपोज ये -1 आता तो हमें क्या करना है, 31 -1 करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट करके एवरेज निकालना है। अगर ये नेगेटिव में आता, लेकिन अब ये क्या है, पॉजिटिव में आया है, तो ऐड होगा। जब पॉजिटिव में आएगा ऐड होगा, जब नेगेटिव में आए सब्ट्रैक्ट होके उसका डिवाइड करके नंबर निकाल के हम एवरेज निकालेंगे। तो ये रहा है एज्यूम एवरेज। तो ये इस नंबर के लिए मैं बोल रहा था कि सपोज आपको 302, 350, 430, 270, 200 दे दिया। ओके, ये भी आपको इजी लगेगा क्योंकि 310, 350, 430 सब जीरो में है। अगर ये ऐसा दे देता 335, 325, 127, ओके, 395 ऐसे नंबर दे देता। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक नंबर को आपको एज्यूम लेना पड़ेगा। ओके, सपोज 325 लोगे, सपोज और एक दे दे 430, तो ऐसे में क्या होगा, आपको एक एज्यूम निकालना पड़ेगा, इससे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके,
सब डिफरेंस निकालो। ओके, सब डिफरेंस निकालने के बाद जो आएगा, सपोज पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ प्लस होगा, नेगेटिव में आएगा तो यहाँ माइनस होगा, और आपका एज्यूम एवरेज निकल जाएगा। ओके, तो ये रहा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। हम पढ़ चुके हैं, एवरेज पढ़ चुके हैं, कैसे रैंडम नंबर का निकालेंगे, एज्यूम एवरेज भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी पढ़ दिए, सब सीक्वेंस का कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो एक दो नंबर हम कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, किससे कैसे क्वेश्चंस आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इफ द एवरेज ऑफ फाइव ऑड कंजुगेटिव नंबर इज 61। क्वेश्चन में क्या था, फाइव ऑड कंजुगेटिव नंबर। सो हम पहले ट्रेडिशनल वे में कर लेते हैं, यह कैसे करते हैं, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी देख लेंगे। सपोज फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो फाइव कंजुगेटिव ऑड कंजुगेटिव नंबर दिया है तो ऑब्वियसली एक्स प्लस टू होगा, देन एक्स प्लस फोर होगा, देन एक्स प्लस सिक्स, देन एक्स प्लस एट। ओके, तो क्या हुआ है, इनका एवरेज क्या दिया है, 61। इनका टोटल बाय फाइव इक्वल टू 61। तो अब हम निकाल लेंगे कि कितना है, एक दो तीन चार पाँच, 5x प्लस 20 इक्वल टू 61 इंटू 5, ये जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 5x इक्वल टू, सो 5x प्लस 20 इक्वल टू 61 इंटू 5, देन 5x इक्वल टू 305 माइनस 20, सो 285, देन एक्स इक्वल टू 285 बाय 5, 57। सो फर्स्ट नंबर इज 57। देन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर 57, देन लास्ट नंबर क्या होगा, 57 प्लस 8 इक्वल टू 65, सो डिफरेंस बिटवीन 57 एंड 65, 8, 8 इज द आंसर। ओके, सो नाउ हम क्या देखेंगे अभी, इसका शॉर्टकट क्या है। मैंने क्या बोला था कि जब ऑड में रहता है सीरीज तो एवरेज वाला नंबर सीरीज में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ क्या देखेंगे, सीरीज क्या है, फाइव ऑड कंजुगेटिव नंबर है तो ऑब्वियसली सीरीज ऑड है, तो ए बी सी डी ई ऐसे सिचुएशन में है हमारा क्वेश्चंस में, हमारा नंबर सब ऐसे में है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे में क्या होता है, एवरेज सी होता है, तो यहाँ सी की जगह क्या है 61, तो ये ऑब्वियसली 59 होगा, ये 57 होगा, देन 63, 65, देन डिफरेंस 8, ये है आंसर, ये सब ठीक। देखो इतने में तुम्हारा कितना टाइम जाएगा, इसमें कितना टाइम जाएगा, इसीलिए थोड़ा अगर याद रख लो तो इजी हो जाएगा। ओके, 57, 65, डिफरेंस 8। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड एंड थ्राइस ऑफ थर्ड एंड देयर एवरेज इज 44, देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। सपोज फर्स्ट नंबर इज एक्स, देन सेकंड नंबर ट्वाइस द सेकेंड मीन्स एक्स बाई टू। ओके, अगर ये 10 है तो सेकेंड नंबर कितना है, 5 है। ओके, तो 2x। थर्ड थ्राइस ऑफ थर्ड, सो अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये एक्स बाय थ्री। इन तीनों का एवरेज क्या है, 44। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्स प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय थ्री। ओके, क्या होगा, डिवाइडेड बाय तीन नंबर है, सो थ्री इक्वल टू 44। अगर हम ये निकाल देंगे तो क्या होगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 इंटू थ्री,
सो नीचे क्या होगा, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, सो सिक्स एक्स प्लस यहाँ टू इंटू थ्री, टू है थ्री जाएगा, थ्री एक्स थ्री और टू एक्स, सो इलेवन एक्स इक्वल टू, ये भी वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू सिक्स 72, ओके। तो इफ एक्स इक्वल टू 72, ऑब्वियसली हमें पूछा है कि फर्स्ट नंबर है तो एक्स इक्वल टू 72, हमें सेकंड और थर्ड नंबर निकालना नहीं, अगर पूछा होता तो हम जरूर निकाल देते, ओके। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद हम आगे जाएंगे जो एडवांस सेक्शन के क्वेश्चन देखेंगे, ओके। थैंक यू।